unfortunately, it's the right stats. Around 2,20,000 students have failed in CA intermediate examinations, and around 1,20,000 students have failed in CA final examinations. तो क्या हो रहा है? Why are we failing? क्या ये दो चीजें हैं? Crucial चीजें जो अगर आप you know there are many students, आप लोग में से भी काफी सारे students होंगे जिन पे ये शनि सवार है. आप लोग में से भी काफी सारे students होंगे वो जो ये दो चीजें कर रहे हैं. And if you continue doing the same, see I do not wish to say this, but if you continue doing the same, अगला अटेम्प्ट उसका अगला अटेम्प्ट एंड देयर वुड बी अ स्ट्रीक ऑफ अटेम्प्ट्स. आप बस फेल हो रहे हो. तो बिफोर यू गिव द अपकमिंग एग्जामिनेशंस, बिफोर यू इवन स्टार्ट योर प्रिपरेशंस नाउ, यू शुड नो अबाउट दीज टू थिंग्स. बहुत ही गेम चेंजर वीडियो रहेगा आपके लिए. एंड बिफोर आई बिगिन, जस्ट अ फ्यू कपल ऑफ थिंग्स. जैसे आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉमेंट्स कर रहे हो कि मैम आईबीएस के पेपर के बारे में डाउट है, और भी कुछ ट्रांजिशन स्कीम रिलेटेड डाउट है, सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल रिलेटेड आपको डाउट है. बेटा मैंने पूरा एक वीडियो बनाया सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल पे, आप जाके देख सकते हो, मेरे चैनल पे है सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल. एंड जो भी आपको इसके अलावा भी किसी भी चीज में दिक्कत है, कॉमेंट सेक्शन में बिंदास कमेंट करके बताओ कि मैम ये चीज में प्रॉब्लम है, तो आई वुड सर्टनली कम अप विद अ वीडियो फॉर द सेम. बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी लाइंड अप है चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकॉन हिट करके रखना. एंड वन मोर थिंग, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे मेंटोरशिप प्रोग्राम के लिए. सो या हियर आई कम, आई हैव कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिक्वेस्टिंग मी कॉन्स्टेंटली कि मैम सीट्स फुल हो चुके हैं, नया कोर्स लॉन्च करो. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, लिंक है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. चलो नाउ लेट्स बिगिन. जब से रिजल्ट आए ना, आई हैव बीन इन टॉक्स विद मेनी स्टूडेंट्स. इनफैक्ट आई हैव बीन मेंटोरिंग स्टूडेंट्स इन पास 3-4 years. तो एक चीज जो उभर के आ रही है और एक चीज जिसका ग्राफ मुझे राइजिंग दिख रहा है, मे बी यू आर ऑल्सो फॉलोइंग इन द सेम बकेट. जैसे मैंने एक स्टूडेंट को पूछा, बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है? देन दैट स्टूडेंट सेज, पढ़ाई चल रही है मैम, अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, एंड एवरीथिंग इज डन, एंड स्टिल मैं एग्जाम में फेल हो रही हूँ. तो वेन आई डीप डाइव इन टू द रूटीन, मैंने डीप डाइव इन टू द शेड्यूल ऑफ दैट पर्सन, क्या समझ में आता है मुझे कि अप्रैल मंथ आ चुका है और वो बच्चा अभी तक सिर्फ और सिर्फ क्लासेस देख रहा है. Now, what's the problem here? Is there any problem with watching the classes? Absolutely not. In fact, I would say कि classes देखना जरूरी है. Because आजकल क्या है, institute purely conceptual paper set कर रहा है, तो classes में अपने concepts clear होते हैं. Self study is also good, लेकिन self study में ना खुद को दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारा time invest करना पड़ेगा. तो मेरा तो recommendation रहेगा कि classes देखने ही चाहिए. In fact, बहुत important है to get done with your conceptual clarity. And in fact, kudos to the teachers यार, जो भी अपने teachers हैं, amazing faculties, you have everything. Back in our days, हमको खुद से notes बनाने पड़ते थे, जो अभी आपको रेडीमेड मिलते charts मिल जाते हैं. Back in time, हमको खुद से you know, खुद के ऑडियोज वगैरह रिकॉर्ड करो, कुछ कुछ करो फॉर फास्ट रिविजन. आपके पास फास्ट ट्रैक है, आपके पास वन डे बिफोर एग्जाम के मैराथॉन्स होते हैं, एवरीथिंग यू हैव गॉट. तो आई एम नॉट अगेंस्ट वॉचिंग द लेक्चर्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अपन सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं. अपने को क्या लग रहा है, लेक्चर्स देख लो और कहानी खत्म, एग्जाम में जाके बैठ जाओ. यही पे अपनी प्रॉब्लम हो रही है. देर इज नो प्रैक्टिस, बस पैसिव मोड में एसी रूम में बैठ के बस और बस क्लासेस देख रहे हैं. गाइस एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको. फॉर एग्जांपल, अगर आपको क्रिकेट पसंद है सपोज, और आप विराट कोहली के शॉर्ट्स बस टीवी पे देख रहे हो, जूम करके देख रहे हो, बहुत सारा यू नो आपने हर एंगल में उसको देख लिया, क्या पिच पे जाके एक्चुअली विराट कोहली जैसे खेल सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज यू नेवर प्रैक्टिस. बस वो चार दीवारी में पॉपकॉर्न खाते खाते वो आप विराट कोहली के शॉर्ट्स देख रहे हो. सपोज आपको कुकिंग में इंटरेस्ट है यार, आप किसी का भी शोभा इंदानी तरला दलाल की कुकिंग वीडियोस देख रहे हो, अच्छा इसने इस तरीके से इंग्रेडिएंट यूज किया, इस तरीके से इसने इस पे छौका दिया था, ऑल ऑफ दिस. एंड जब आप एक्चुअली किचन में जाओगे, क्या आपका डिश का टेस्ट सेम होने वाला है एज हर? नो, बिकॉज आप सिर्फ टीवी पे देख रहे हो और अज्यूम कर रहे हो कि मुझे तो सब कुछ आ गया. सिमिलरली आपके साथ हो रहा है कि बस बस अप्रैल मंथ आ गया, अपन सिर्फ क्लासेस देख रहे हैं, सिर्फ कभी फास्ट ट्रैक, कभी मैराथन, कभी एग्जाम ओरिएंटेड, दिस दैट, सिर्फ देख रहे हो, लेकिन उसका एग्जाम में जाके आप स्टक हो जाते हो बिकॉज आपने कभी खुद से बैठ के रिटन प्रैक्टिस की ही नहीं. और व्हेन आई डीप डाइव इनटू दिस, आई रियलाइज दैट बच्चों को फोमो है. There is this fear of missing out कि मैम ये नहीं किया तो या ये नहीं किया तो कुछ मेरे से गलती हो जाएगी. एंड द मेजर रीजन हियर इज कि आप अकेले हो, यू फील लोनली. अरे यार आपके साथ जो फ्रेंड्स थे वो पास हो गए, आपके जूनियर सीनियर्स हो गए, सीनियर जूनियर्स हो गए, देर इज नो बडी जिसके साथ आप बात कर सकते हो. इसीलिए आप ये हिस्ट्री कॉल्स ले लेते हो, इसीलिए आप ऐसे कॉल्स लेते हो विच इज हैम्परिंग योर सक्सेस अहेड. गाइस टारगेटिंग दिस प्रॉब्लम ओनली आई हैव लॉन्च्ड माय कॉम्प्रिहेंसिव मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पर मैं क्या करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू डिवाइड द स्टूडेंट्स बेस्ड अपॉन द सेम गोल इन टू बैचेस. जैसे कि सीए इंटर ग्रुप वन स्टूडेंट्स का एक बैच रहेगा, ग्रुप टू स्टूडेंट्स का एक बैच रहेगा, बोथ द ग्रुप्स का एक बैच रहेगा, सीए फाइनल ग्रुप वन स्टूडेंट्स का एक बैच रहेगा, ग्रुप टू के स्टूडेंट्स का एक बैच रहेगा और बोथ द ग्रुप्स का एक बैच रहेगा. और ये जो बैच की क्वांटिटी रहेगी ना बहुत लिमिटेड रहेगी, सो दैट आई कैन गिव यू द पर्सनल अटेंशन एज वेल. तो आप जैसे दूसरे लोग जब आप देखोगे ना, इवन यू वुड बी बूस्टेड. एक स्टडी एटमोस्फियर क्रिएट होगा, एक कॉम्पिटेटिव स्पिरिट डेवलप होगा अराउंड. इसके साथ ही साथ आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज एब्सोल्युटली
फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है यहाँ पे, सो दैट आई कैन ट्रैक ऑन योर प्रोग्रेस एज वेल. तो गाइस यहाँ पे कोई हायर प्रोफेशनल्स नहीं रहेंगे, मैं खुद लाइव आऊंगी, आपको डेली टारगेट्स दूंगी कि कल कौन सा चैप्टर करना है, परसों कौन सा चैप्टर करना है, क्लासेस कब तक खत्म कर लेनी है आपको, उसके बाद अप्रोच क्या होना चाहिए सब्जेक्ट रिलेटेड, फॉलोअप लेती रहूंगी फ्रीक्वेंटली मैं लाइव आके, आपको जो भी डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो. इसके साथ ही साथ बहुत एडिशनल चीजें, बूस्टर ऑडियो नोट्स, गेस्ट लेक्चरर्स वुड कम इन टू गाइड यू ऑन सेशंस लाइक योगा, मेडिटेशन, डाइट, स्टडी ट्रैकर, मेंटरशिप किट, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे गाइज. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, सो दैट यू डोंट फील दिस फियर ऑफ मिसिंग आउट, और आप राइट डिसीजंस लो. एंड व्हेन यू सी पीपल अराउंड यू, यार वो 10-12 घंटे पढ़ाई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, अरे दैट पर्सन हैज कंप्लीटेड द क्लासेस एंड स्टार्टेड द सेल्फ स्टडीज, व्हाई नॉट मी. तो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर श्योर. सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइज. इसकी सीट्स भी जल्दी ही सोल्ड आउट हो जाएंगे, तो गो एंड लुक इनटू इट एएसएपी. अभी मुझे बता, आपके दिमाग में आ रहा होगा मैम फिल्टर कैसे करें, कैसे समझे कि हमको कैसे किस हिसाब से क्लासेस करनी चाहिए, कब तक क्लासेस करनी चाहिए और हमको पढ़ाई कब करनी चाहिए. सी गाइज, मैं बोलूंगी हर क्लास का ना अपना एक अलग पर्पज है. आपको क्या करना है, आपको फिल्टर करना है. जैसे फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट है आपका जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो उस सब्जेक्ट के तो 100% क्लासेस लगाओ जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है. फिर ऐसा कोई सब्जेक्ट रह सकता है जैसे कि ऑडिट है, लॉ है, कि मैं खुद से पढ़ने जाती हूँ तो मेरी स्पीड स्लो रहती है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए आप फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाए. आपको घर पे बैठ के ना अननेसेसरी स्ट्रेस ना हो कि खुद से पढ़ने जा रही हूँ बहुत सारा टाइम लग रहा है, उस चीज के लिए आप फास्ट ट्रैक रेफर कर सकते हो. मैम वन डे बिफोर एग्जाम में सिलेबस कवर नहीं हो पाता, उस चीज के लिए आप मैराथन देख सकते हो. और काफी सारी चीजें जो इस बार अमेंडेड है, यू नो नया कोर्स है, तो उसके लिए अमेंडेड चीजों के लिए आप अमेंडेड लेक्चर्स देख सकते हो. तो हर सब्जेक्ट का लेक्चर्स देखने का अपना एक अलग पर्पज हो सकता है ना बेटा. एक सब्जेक्ट का मैं अमेंडेड भी देखूं, फुल सिलेबस का भी लेक्चर देखूं, मैराथन भी देखूं, फास्ट ट्रैक भी देखूं, आपका टाइम किल हो रहा है. बिकॉज अगर सब कुछ देखोगे तो आपको प्रैक्टिस को टाइम नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप एग्जाम में जाके स्टक हो जाएंगे. दिस इज द मेजर सीन गाइस. अगर आपने ये गलती की है सो कन्फेस, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताओ, आई कन्फेस आई लैक्ड रिटन प्रैक्टिस, आई कन्फेस कि आई डिड नॉट प्रैक्टिस इन द लास्ट अटेम्प्ट, दैट्स व्हाई आई फेल्ड. ये बहुत क्रूशियल चीज है, आई एम प्रीटी श्योर इतना भी आप कोप अप करो ना, छोटा सा ट्वीक है लेकिन इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ चेंज इन योर रिजल्ट्स फॉर श्योर. एंड जो नंबर दो का शनि जो आपके सर पे सवार है, दैट इज लैक ऑफ रिविजन्स. गाइस क्या है, अपने को क्या लग रहा है पता है, अरे एक बार पढ़ लिया पूरा सिलेबस मैम, आई एम गुड टू गो फॉर द एग्जामिनेशंस. गाइस आपको अंदाजा भी है व्हाट आर यू डीलिंग विथ, इतना ह्यूज सिलेबस, सच ह्यूज सिलेबस, पाइल ऑफ बुक्स आपके सामने. जो चीज आपने January 1st को की है वो डायरेक्टली मई में जाके एग्जामिनेशन दे रहे हो, आर यू जस्टिफाइंग योर स्टडीज. और यहाँ पे मेजर रीजन है वो अपने अंदर जो चुल है ना, मैम बोथ द ग्रुप्स देना है, बोथ द ग्रुप्स देना है. गाइज आई एम नॉट अगेंस्ट गिविंग बोथ द ग्रुप्स, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर बोथ द ग्रुप्स देना है या सिंगल ग्रुप देना है. मुझे हर सब्जेक्ट की मिनिमम 3 रीडिंग्स करके जानी है, इट इज मैंडेटरी. नहीं तो क्या करते मैम, बोथ द ग्रुप्स देना है इसीलिए पहले 2 महीने में एक ग्रुप किया, दूसरे 2 महीने में दूसरा ग्रुप किया और एग्जाम में जाके चले गए. गाइज ऐसे करके और स्क्रूइंग बोथ द ग्रुप्स, उससे बेटर पहले एक ग्रुप पे कमांड लेके आओ, फिर उसके बाद जब दूसरा ग्रुप करते हो उसके साइड बाय साइड पहले ग्रुप के रिविजन कंटिन्यू रखो, एंड देन do the revisions of the second group as well. Minimum 3 readings करना mandatory है, नहीं तो आप कितनी बार exam में जाके blank हो जाते हो. Because it's a vast syllabus, इसमें आपके दिमाग की गलती नहीं है, इसमें आपकी strategy की गलती है कि आप revisions नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो. तो ये 2 major चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है, उस हिसाब से आपका direction channelized रखो for the May 24 attempt, सो दैट आपका अटेम्प्ट सेव हो जाए. यार गाइस 6 महीने बच जाएंगे, जस्ट डोंट गो विद द फ्लो, बी वेरी प्रैक्टिकल, वेरी रैशनल, वेरी रीजनेबल अबाउट योर कॉल्स नाउ, ठीक है. सो यार बहुत सारे वीडियो चैनल पे लाइंड अप है, आप पढ़ाई शुरू कर दो, दिस इज द टाइम. डोंट वेट कि कल से शुरू करेंगे, परसों से शुरू करेंगे, दिस इज द राइट टाइम. लेट्स स्टार्ट विद द स्टडीज टू अवॉइड द पैनिक लेटर, ठीक है. बिलीव इन योरसेल्फ, दिस इज मी साइनिंग आउट, विश यू ऑल द बेस्ट.